ओम शांति। आज 11 मार्च 1981 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा की आज की मुरली का विषय है सफलता के दो मुख्य आधार। अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं, एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे। वैसे भी फॉरेनर्स फ्रेंडशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बाप दादा बाप भी हैं, सतगुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। किसको टीचर अच्छा लगता, किसको साजन अच्छा लगता, किसको फ्रेंड अच्छा लगता है, तो एक ही ना। इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। अब बाबा कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने संबंध हैं सबका अपना अपना महत्व है, और ख़ास तौर पे बाबा कहते हैं कि तीन ऐसे संबंध हैं जो कुछ देने वाले हैं और जिनको श्रेष्ठ गिना जाता है। तो उसमें एक पिता का संबंध होता है, क्योंकि पिता संतान को देता ही देता है, इनहेरिटेंस देता है। और जो शिक्षक है, शिक्षक का संबंध भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शिक्षक पढ़ा लिखा करके लायक बनाता है। किसी व्यक्ति के अंदर जो कोई लायक ना हो, काबिलियत ना हो, उसको साधन कितने भी हो तो उसका वो प्रॉपर उपयोग नहीं कर सकता। तो तीसरा जो होता है गुरु का होता है, वो कहते हैं कि गुरु गति करता है, गुरु रास्ता दिखाता है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे भी बच्चों के साथ तीन मुख्य संबंध तो हैं ही, बाप, शिक्षक और गुरु। और सत बाप है, सत शिक्षक और सत गुरु है, क्योंकि वो एक ही है। वो इनहेरिटेंस भी सत्य की देता है, यानी अविनाशी देता है, आत्मा को देता है। आत्मा का ही पिता है, आत्मा को ही ज्ञान देता है तीनों कालों, तीनों लोगों का, और सदगति भी आत्मा की करता है। इसके अतिरिक्त आज के मुरली में बाबा ने कहा कि आज बाबा खुदा दोस्त, गॉड एज ए फ्रेंड के रूप में बच्चों से मिल रहे हैं। और फिर बाबा कहता है कि कितने बच्चे, गॉड तो एक है, तो गॉड एज ए फ्रेंड के कितने फ्रेंड्स हो जाएंगे, तो सारे ही फ्रेंड्स हो जाएंगे। फिर विदेशी हैं सारे जिनको बाबा एड्रेस कर रहा है, तो बाबा कहते हैं विदेशियों को विशेष तौर पे फ्रेंडशिप का नाता अच्छा लगता है। और फिर बाबा कहता है कि अब आपको कौन सा नाता पसंद है, आप फ्रेंड के नाते से मुझे मिलना चाहते हो, और भी बाबा ने कई नाते बताए हैं। पर बाबा कहते हैं ख़ास बात यह है कि एक ही मैं हूँ जिससे आप सब नाते निभा सकते हो, अन्य नातों के लिए आपको अलग अलग से कनेक्शन रखना पड़ेगा। आपका भाई और होगा, शिक्षक और होगा, गुरु और होगा। तो बाबा कहते हैं ये इजी है, मैं एक ही सभी रूप धारण करके आपसे मिल सकता हूँ। यही एक जादूगरी है। हाँ, जो एक से ही जो चाहो वो संबंध निभा सकते हो, और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे कोई और मिले ये इच्छा समाप्त हो जाती है। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो, हो चुके हो या अभी होना है। अब बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि ये तो गायन है, ये तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, भगवद गीता के फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है।
कि परमात्मा के लिए जो भगवानुवाच का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कि माता पिता बंधु सखा सर्व संबंध आपके साथ है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो बाबा कहते हैं ये एक वंडरफुल चीज़ है। वैसे भी संबंध आत्मा से ही होता है, आत्मा कभी शरीर के रूप में बाप बन जाती है, कभी शरीर के रूप में बेटा बन जाती है, भाई बन जाती है, पति पत्नी बन जाती है, फ्रेंड भी तो शरीर के रूप से बनता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं परम आत्मा हूँ, तो रूहानी नाते से आपके साथ में हर सब संबंध निभा सकता हूँ। इसलिए आप ये कह सकते हैं नन बट वन, एक परमात्मा से ही सब संबंध आप रख सकते हैं। जिस संबंध की आपको आवश्यकता हो या जिस संबंध की कमी महसूस हो, उस संबंध में बाबा बहुरूपी रूप से हमारे साथ संबंध निभाते हैं। पूर्ण अनुभवी बन चुके हो? हाँ। आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए? बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे दूर देशी कौन है? आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो। बाप दादा आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए, फिर साकार लोक में आए हैं। ये भी बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि बच्चे तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ली से आएंगे, उसको भारत से सबसे दूर देश गिना जाता है, लेकिन बाप दादा तो दोनों। तो बाबा कहते हैं निराकार लोक से परमपिता परमात्मा, फिर वो आकारी लोक में आते हैं, वहाँ से व्यक्त ब्रह्मा को साथ लेते हैं, फिर दोनों मिलकर के साकारी लोक में आते हैं। सबसे दूर हो गया ये तो। तो सबसे दूर देशी बाप हुआ या आप हुए? इस लोक के हिसाब से जो सबसे ज्यादा दूर से आए हैं उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी इतने दूर से साकार लोक से आए तो हैं। सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ। जितना दूर से आए हो, जितने माइल चलकर आए हो, उतने माइल से पदम गुणा ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर ऐसे वरदानी होना, फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉर एवर। ये बाबा ने फॉरेनर्स को नया टाइटल दिया है। फॉरेनर्स मैंने फॉर एवर, और फॉर एवर की बाबा ने जो परिभाषा की है वो भी बहुत श्रेष्ठ की है। सदा सेवा के लिए एवर रेडी, यानी एवर रेडी, ये है फॉरेनर की। डायरेक्शन मिला और चल पड़े, ये है फॉर एवर ग्रुप की विशेषता। अभी अभी अनुभव किया और अभी अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते हैं। यानी बाबा कहते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अभी अभी सीखा और अभी अभी सिखाने की सेवा में लग जाते हैं। ये देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित बन गए। सेवा की सफलता के विशेष दो आधार हैं, वो जानते हो? तो कई उत्तर निकले, सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल
दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। बाबा कहता है कि बाबा तो सब कहते हैं और स्नेह से ही कहते हैं, लेकिन उसमें स्नेह की जो गहराई है, इंटेंसिटी है, उसमें डिग्रीज हैं। एक होता है बिल्कुल बाबा के लव में लीन, बाबा की लगन में मगन, उनको दीन दुनिया का आकुर छह नहीं, सब कुछ बाबा ही है। और मुरली के आदम में भी बाबा ने संबंधों की बात की कि वो सारे ही संबंध बाबा से रखते हैं, और साथ साथ सारे ही संबंधों का जो रस होता है, हर संबंध की अपना अपना रस और प्राप्ति, वो भी बाबा से ही रखते हैं। इसलिए वो एक से ही सब रस लेते हैं तो उनकी स्थिति एक रस लेती है। जो दुनिया के अंदर अलग अलग संबंधों से अलग अलग रस लेते हैं उनकी स्थिति एक रस नहीं रह सकती, कभी कैसी हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सफलता का आधार, क्योंकि ज्ञान का सागर बाबा, पिता सबको बेहद का वर्षा देने वाला बाबा, और सबको गाइड बन के परम धाम ले जाने वाला भी बाबा, तो उस बाबा से जो खुद कनेक्टेड होगा, इतना लीन होगा, वो जब दूसरे को बाबा कहेगा तो दूसरा को भी उसी प्रकार का साक्षात्कार होगा और वो भी खिंच जाएगा। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा, दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूरत होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं, ये बाबा ने बहुत अच्छी सेकंड बात कही है कि हमारे को एक तो बाबा जो सोर्स है, सब चीज़ का मूल आधार बीज है, दूसरा बाबा कहता है कि सेवा के फलीभूत होने के लिए तो एक तो बीज का जानना पूरा आवश्यक है, और दूसरे स्वरूप बनना, यानी जो भी पॉइंट्स हम सुनते हैं उसके अनुभवी मूर्त बनना, ये और भी इम्पोर्टेंट। एक होता है बुद्धि के अंदर ज्ञान रखना, एक होता है उसका अनुभव करना। किसी को ज्ञान दिया जाए कि लड्डू कैसा होता है, तो अच्छी तरह से उसको समझा दिया जाए लड्डू की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, वो व्यक्ति समझ लेता है, वर्णन भी कर देता है। पर एक होता है लड्डू खाना, तो जो खाया हुआ लड्डू है उसका जो अनुभव है वो खाली बुद्धि में, ख्याली पुलाव पकाना या ख्याल में लड्डू खाना, उससे फर्क है ना। जैसे बाबा कहते हैं ड्रामा की पॉइंट देते हैं, बाबा ने एग्जांपल दिया है, तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो वह बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। यानी बाबा ने फिर प्रैक्टिकल बताया, एक होता है ज्ञान,
अब हमें ड्रामा का ज्ञान है, ड्रामा में जो कुछ होता है एक्यूरेट होता है। तो बाबा कहते हैं एक तो थ्योरी है और एक उस ड्रामा की पॉइंट को लेकर जीवन में प्रैक्टिकल में हर घटना में साक्षी होके रहना, अर्थात प्रभाव में नहीं आना। तब बाबा ने एग्जांपल दिया कि मान लो अच्छा होता है या बुरा होता है। अब जो ड्रामा को जीवन में धारण किया हो, जो साक्षी दृष्टा है, वो क्या देखेगा? बुरा नहीं देखेगा। बुरे में भी वो अच्छाई देखेगा, उसमें क्वेश्चन नहीं करेगा ये बुरा क्यों हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, वो साक्षी हो जाएगा। साक्षी होने के कारण बुरा उसको दिखेगा भी नहीं, ना उस बुरे का उस पर प्रभाव आएगा, ना वो बुरे का वर्णन करेगा। तब बाबा ने कहा कि ये प्रैक्टिकल रूप है ड्रामा के ज्ञान को जानने का, तो कोई भी परिस्थिति उसको डगमग नहीं करेगी। अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज हैं? हाँ, बाबा ने ड्रामा की पॉइंट दी और कहा जब बाप कल्याणकारी है, युग भी कल्याणकारी है, चढ़ती कला का युग है, और ड्रामा भी कल्याणकारी है, तो कल्याण हो ही नहीं सकता, है ना। इसी अब बाबा दूसरी बात कह रहा अथॉरिटी की, क्या मान लो अथॉरिटी है, हम कहते हैं अथॉरिटी है, उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है, वो बाबा ने एग्जांपल दिया। और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी, जिसको साइंस की, किसको शास्त्रों की, किसको डॉक्टरी के नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग के नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया, वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज हैं वो आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो, वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब हैं, इसलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं, शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? तो अथॉरिटी हो गए ना। इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर वन धर्म किसका है? ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है, और भी इस धर्म की विशेषता है। ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता परमात्मा का स्थापन किया हुआ है, और धर्म धर्म पिताओं के हैं, और ये धर्म परम पिता का है। वो बच्चों द्वारा है, सन ऑफ गॉड कहते हैं, वो गॉड नहीं है। तो डायरेक्ट परम पिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ, उस धर्म की अथॉरिटी हो, भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है वो आपका हो गया, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अंडर सारी अथॉरिटीज आ गई, तो वो सारी अथॉरिटीज आपकी हो गई। और फिर बाबा ने उसमें एग्जांपल दिए हैं सारी अथॉरिटीज में। तो बाबा कहता है ज्ञान की अथॉरिटी को ले लो,
अब ज्ञान जो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, दुनिया में भी तो एक चीज़ की अथॉरिटी होता है कोई व्यक्ति, या दो की होगा, ये डॉक्टर है तो डॉक्टरी की अथॉरिटी, शास्त्र पढ़ने वाला है तो स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी हो गई, इंजीनियर है तो इंजीनियर की अथॉरिटी हो गई। अब बाबा कहते हैं आप तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो पहली नॉलेज की एग्जांपल दी है कि बाबा कहते हैं नॉलेज की अथॉरिटी किसको गिना जाता है, कोई कहता है ये बाइबल की अथॉरिटी है या कुरान की अथॉरिटी है, तो बाबा कहता उनमें भी सारे स्क्रिप्चर में सबसे जो सुप्रीम स्क्रिप्चर गिना जाता है वो गीता है, भगवद गीता भगवान की सुनाई हुई, तो भगवद गीता सच्ची सुनने वाले कौन हैं जो डायरेक्ट सुन रहे हैं, तो आप अथॉरिटी हो गए, ज्ञान की अथॉरिटी हो गए, है ना। इसी प्रकार से बाबा ने कहा धर्म की अथॉरिटी देख लो, तो जितने भी धर्म हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, ब्राह्मण धर्म है जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया, तो आप डायरेक्ट ब्रह्मा जी के द्वारा शिव से ज्ञान सुन रहे हो, तो धर्म की भी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी हो गए। फिर बाबा ने कहा कर्म की अथॉरिटी देख लो, कि सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है जिसकी प्रारब्ध से आप देवी देवता बनते हो, ऐसे डिवाइन अटल अखंड किंगडम के राज्य अधिकारी बनते हो जो बिल्कुल अनइंटरप्टेड चलता है, वो भी आप हो, ऐसे बाबा कहता गिनते जाओ। फिर बाबा कहता ऐसे भगत लोग भी ऐसा कोई है जिसके आगे जाके नमन करें, जिसकी मूर्ति की भी पूजा करें, वो अथॉरिटी भी आप हो। और फिर टॉप कर और फिर बाबा कहता है जिसको भगवान भी नमन करे वो अथॉरिटी आप हो गए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। भक्तों के भी पूज्य, भक्तों के पूज्य, भगवान खुद आपको नमस्कार करता है। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है, अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है, प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंचली दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं, चाहे छोटे हैं व बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय हैं। अब ये वायदा तो निभाया है और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है, कोई ने माला बना के लाई है, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बना के लाई है, तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, एक एक रतन वैल्यूबल रतन है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने, अब आगे क्या करना है, ज्वेलरी को अब क्या करेंगे, बोला पॉलिश। मधुबन में आए हो तो पॉलिश हो ही जाएगी, अब शो केस में रखो। वर्ल्ड के शो केस में ये ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। शो केस में कैसे आएंगे, बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब वर्ल्ड के सामने आवे। ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से ये आवाज निकले कि ये भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों का जो कार्य है, जो बच्चे सेवा कर रहे हैं, उसको बाबा ने सिंपल एग्जांपल देकर बच्चों के कार्य के महत्व को बच्चों को समझाया है। तो बाबा कहते हैं कि देखो मैंने आप बच्चों को तैयार किया और आप बच्चों ने फिर जो मैं जिस कार्य के लिए तैयार किया कि आत्माओं की शांति की जो प्यास है, जो उनकी सुख की प्राप्ति की जो तड़प है, उसको बुझाने के कार्य में बच्चे लगे हुए हैं,
और उसमें सफलता पा रहे हैं, और उस सफलता के आधार पर जो जो जिस जिसने जितने जितने बच्चों को तैयार किया है, जिनकी प्यास बुझाई है, जिनको शांति दी है, उसके संगठन बाबा दूर से देख रहा है। कोई छोटा संगठन है, कोई बड़ा संगठन है, कोई नेकलेस के रूप में है, कोई आर्मलेट के रूप में है, कोई ने रिंग ही बनाया है, लेकिन है तो सारे संगठन, सारी प्रेशियस ज्वेलरी है कि नहीं, तो गुणों की ज्वेलरी, जेम्स की ज्वेलरी है। अब बाबा कहता है ये तो बहुत अच्छा किया। अब उसके बाद होता है ज्वेलरी पर पॉलिश, तो बाबा कहते हैं उन सबको आप मधुबन में लाएं अपने साथ, छोटा ग्रुप या बड़ा ग्रुप, गुलदस्ते के रूप में पॉलिश तो यहाँ हो जाएगी। ये तो अच्छा किया आप ब्राह्मणों के सामने और बाप के सामने लाए, अब और क्या करना है? तो बाबा कहते हैं इस ज्वेलरी को विश्व के शो केस में रखना है। तो विश्व के शो केस में कैसे रखना है? तो बाबा कहते हैं कि सारे विश्व में कोने कोने में जहाँ से आप आए हो वो सब जगह पर ये आवाज़ निकले। ऐसा कोई प्लान बनाओ कि सब देखें कि देखो ये बाबा के शाइनिंग स्टार जो हैं, ये बच्चे जो हैं, ये हमें दिख रहे हैं, इसका कोई प्लान बनाओ। तो बाबा कह रहे हैं चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में, जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे ही ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दे। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे, सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं, तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता मिलाओ, इसका प्लान बनाओ, फिर बाप दादा भी बताएंगे। यानी बाबा ने ये बताया कि जो आपने मेहनत की है, जो ज्ञान देकर आत्माएं तैयार की हैं, उनको पब्लिक के आगे पेश करो, ताकि वो दुनिया के अंदर ये चारों तरफ आवाज़ निकले कि लकी स्टार शाइन कर रहे हैं, और इनकी रिफ्लेक्शन जो गॉड के रूपी सन की कर रहे हैं, तो इससे बाप भी प्रत्यक्ष होगा बच्चों के द्वारा। एक एक रतन की विशेषता वर्णन करें तो अनेक रातें बीत जाएं। रात्रि हो गई बाबा को मुरली सुनाते सुनाते, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व सपूत अर्थात सर्विस के सबूत देने वाले सदा सेवा और याद में रहने वाले सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवली लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप सदा बच्चों को आवाहन करते हैं, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं, क्यों बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो, क्योंकि बाप बच्चों के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होती है। बाप को बच्चे सदा प्रिय हैं क्योंकि बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं। भक्ति में भी कितना धक्का खाया ये भी जानते हैं और अब भी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं ये भी जानते हैं और भविष्य में क्या बनने वाले हैं ये भी बाप के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। और देखा जाए तो बच्चे भी अगर एक दूसरे के तीनों कालों को देखें, वर्तमान को केवल ना देखें,
और फाइनल स्टेज को देखें तो फिर सबकी संपन्न स्टेज देखकर सबको खुशी होगी और एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। नॉलेज के साथ साथ हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। कि अनुभूति अनुभवी ही जो है वो हर काम में सफल होता है। अगर सब बातों में अनुभवी नहीं हुए, एक आध बात में भी अनुभव रह गया, कमी हो गई, तो क्या होगा? विघ्न आ जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति कार चलाना सीख ले, कार को अच्छी तरह तेज स्पीड पे चलाए, हॉर्न बजाना भी जानता हो, लाइट जलाना भी जानता हो, सब कुछ जानता हो, उसको कार की ब्रेक लगाना ना आता हो, तो क्या होगा फिर? कि अच्छी तरह चलाता रहेगा, स्पीड भी तेज़ कर लेगा, लाइट भी जला लेगा, मोड़ भी लेगा, सामने वाले को हॉर्न भी बजा देगा। अगर जब ब्रेक लगाने का मौका आ गया फिर क्या होगा? तो नुकसान कर देगा ना। इसी प्रकार से बाबा कहता है हर चीज़ का अनुभव होना चाहिए। आपके घर में 12 खिड़कियां हैं, आपने 11 बंद कर ली और तूफान आ गया, तो 12वीं खिड़की से भी वो तूफान अंदर आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज़ का अनुभव ही होगा। दुनिया में जितने इतिहास में घटनाएं हैं उसमें यही हैं कि जहां किसी की कमज़ोरी रह गई थी वहीं उसकी हार हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता ना, इसको इसकी ये कमी है, इसको यहाँ मारो, या इसके इस आर्मी में यहाँ कमज़ोरी है, इसको ख़त्म करो। तो हमेशा चोर भी जो होता है ऐसी जगह जाके चोरी करता है जहाँ के कमज़ोर जगह होती है, अंधेरा होता है या कुछ। तब बाबा ने ये बहुत ध्यान दिलवाया है कि बिल्कुल हर चीज़ की अनुभव होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए। और ये जो बाबा ने कहा अनुभूति का कोर्स, हाँ, ये भी हर एक 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 ज्ञान के पॉइंट की बाबा कहता है अनुभूति करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। हाँ। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप में आना चाहिए। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर्स में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती, वैसे नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख ना दो, यूज करो। फिर देखो ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर वह रे मैं का गीत गाते रहेंगे। अनुभवी के बोल और नॉलेज वाले के बोल में अंतर होता है। सिर्फ नॉलेज वाला अनुभव नहीं करा सकता। बाबा ने आज अमृत वेले भी वरदान में यही कहा ना कि अगर आपके पास कोई गुण है और अगर आप उसको संबंध संपर्क में यूज नहीं करते तो आपको दुआ नहीं मिलती। जैसे किसी का धन लॉकर में हो उसको कमाई नहीं होती, ब्याज भी नहीं मिलता। यूज़ करेगा या बैंक को यूज़ करने देगा तो इंटरेस्ट आएगा, खुद यूज़ करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा। तो बाबा कहते ये तो जीवन का बिजनेस है, इसके अंदर आप अपने गुणों को किनारे करके अकेले रखे बैठे हो तो आपको दुआओं का खजाना नहीं जमा कर सकते। कौन सी शक्ति किस परसेंटेज में प्राप्त की है और समय पर कार्य में ला सकते हैं या नहीं, ऐसा ना हो दुश्मन आवे और तलवार चले ही नहीं, अथवा ढाल के समय तलवार, तलवार के समय ढाल याद आ जाए। अब देखो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वही यूज करो, तब विजयी हो सकेंगे। ये भी बाबा ने कहा ना कि एक तो यूज करो और गलत यूज ना करो। सहन शक्ति का जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप सामना करने की शक्ति यूज कर लो।
सामना करने की आवश्यकता, वहाँ सहन शक्ति यूज़ कर लो तो काम नहीं करेगा ना। उससे क्या नुकसान होता है? हार हो जाती है व्यक्ति, सफलता प्राप्त नहीं होती, विजय प्राप्त नहीं होती, खुशी नहीं होती, दिल शिकस्त हो जाएगा, जो वो चाहता है वो प्राप्ति नहीं होगी। आप कुछ कहना चाहते हैं, आप में हिम्मत नहीं है कहने की, तो उसका नुकसान नहीं होगा? फिर बाबा ने दीदी जी से मुलाकात की है, मेला देखकर खुशी हो रही है ना, 5 मिनट है, ठीक है। ये भी ड्रामा में जो कुछ होता है वो अच्छे से अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। यही यादगार में कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड तक तो पहुंचो तब गायन हो। आबू रोड से माउंट तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे ये क्या हो रहा है, अटेंशन तो जाता है ना, ब्रह्मा कुमारियां कहाँ तक पहुंच गई हैं? अब ये तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि ना हो तो सेवा का है कि सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। बाप दादा, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप ये सेंटेंस कि अगर बाबा को आना है तो सेवा भी बढ़नी है? नेचुरली बाबा आते रहेंगे तो जो बाबा वर्षन जो उच्चारण करते हैं उसको जो धारण करने वाले बच्चे हैं वो आगे सेवा को बढ़ाएंगे ना। तो बाबा का आते रहना अर्थात वृद्धि होते रहना, टीचर का क्लास में आते रहना अर्थात स्टूडेंट के ग्रेड में वृद्धि होती है कि नहीं होती? स्टूडेंट 4th क्लास से लेकर PhD तक पहुंच जाता है। और इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये तो एलिवेशन होता है लेवल में, लेकिन कोई बिजनेस करता है और बिजनेस की ब्रांचेज बढ़ते जाते हैं तो फैल जाता है कि नहीं? एक बिजनेस सारे देश में फैल जाता है, सारे वर्ल्ड में भी ऐसी कंपनियां जिनके बिजनेस फैले हुए हैं। ये तो भगवान का भी ज्ञान है, ये तो हर एक को मिलना ही है ना। बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहे तो भी छूट नहीं सकते। इसीलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। वो बताते हैं ना कि श्री कृष्ण को उनकी माँ ने ओखली से बांध लिया। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। अब बाबा कहता देखो कि जब मैं साकार में था तब तो प्रेम का बंधन था ही, अब बाबा ने शरीर भी छोड़ दिया अव्यक्त हो गया तो भी प्रेम के बंधन में बंधने के कारण अव्यक्त से भी व्यक्त में आना पड़ता, प्रेम का बंधन ही हुआ ना। बाप व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते, इसीलिए आप भी बंधन में हो, बाप भी बंधन में है। विदेशियों की ओर इशारा करके ये भी तपस्या कर रहे हैं। दिन है व रात है, इसीलिए तो कहते हैं जादू लगा दिया, पता भी नहीं लगता दिन रात का। फिर बाबा कहते विजय का झंडा पक्का है ना, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मुख का नारा नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं।
हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वो सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सर्कमस्टेंस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती। विजय का झंडा सदा लहराता रहे। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को जो स्वरूप धारण करने को कहा है वह है कि बच्चे सफलता के लिए दो बातें आपको याद रखनी है। एक फॉर एवर, और दूसरा बाबा ने कहा बाप से अटूट प्यार। अगर ये दो चीज़ें याद हैं तो हम बच्चे सफलता मूर्त बन सकते हैं। ओम शांति।